प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज के इस सुसमाचार के पाठों पर हम थोड़ा मनन चिंतन करें। आज के पहले पाठ में, जो कि नबी इजाइस के ग्रंथ से लिया है, उसकी प्रारंभिक पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। घबराए हुए लोगों से कह दो, धारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। कितने सांत्वना भरे शब्द हैं ये, घबराए हुए लोगों को नबी इजाइस के द्वारा ईश्वर कहते हैं, डरो मत, धारस रखो, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। और सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु एक बहरे घूंगे को चंगाई देते हैं, उसके कानों पर अपनी उंगलियां रखते हुए कहते हैं कि एफाता, यानी कि खुल जा, और उसके कान और जुबान के बंधन खुल जाते हैं और वो सुनने और बोलने लगता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे आध्यात्मिक जीवन में आज हमें प्रभु से यही प्रार्थना करना है कि हमारा मन, हमारा दिल प्रभु के लिए खुल जाए। इस कोरोना काल के समय अधिकतर हम परेशान रहते हैं कि कब दुकान बंद हो जाते हैं, या जहां कहीं भी कर्फ्यू लग जाता है, लॉकडाउन होता है, तो हम इसी की चिंता करते रहते हैं कि दुकान कब खुलेंगे, बैंक कब खुलेंगे, बाजार कब खुलेगा। और अनेक सारे लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि फादर, चर्च कब खुलेगा। जब लोग ये कहते थे कि चर्च कब खुलेगा, हमें अच्छा लगता था सुनने के लिए। ऐसा लगता था कि लोग प्यासे हैं, तरस रहे हैं चर्च आने के लिए। लेकिन जब चर्च खुल गया तो मैंने सोचा कि लोग दौड़ते दौड़ते वो आएंगे, बड़ा रश होगा, हम कैसे मैनेज करेंगे, बड़ी सोच में था मैं। लेकिन अब जब चर्च खुल गया है तो हमारे पास बहुत सारे, क्या कहते हैं, शिकायतें हैं, हमारे पास बहुत सारे ब्लेम्स है। हम अपने आप को कहते हैं, नहीं कोरोना है, हम डर जाते हैं, नहीं आ सकते हैं। सारा का सारा इल्ज़ाम हम कोरोना के ऊपर डाल देते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं, फादर आजकल की जो सरकार है क्रिस्ती विरोधी है, क्रिस्तियों के प्रति वो बहुत ही अत्याचार करते हैं, मंदिर चर्च तोड़ते हैं, हमारे पर्व मनाने नहीं देते, जब हमारा पर्व निकट आता है तभी लॉकडाउन डालते हैं, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब राज्य के अंदर ही फूट पड़ जाए, यदि एक घराना ही अपने घर के विरुद्ध उठ खड़ा होगा तो वह साम्राज्य बना नहीं रहता। प्रभु कहते, जब प्रभु को लोगों ने कहा कि बेलज़बूल की सहायता से अपदूतों को निकालते, तो प्रभु कहते यदि शैतान शैतान के विरुद्ध खड़ा होगा तो उसका साम्राज्य नहीं टिक सकता। उसी प्रकार यदि हम अपने ही ईसाई विश्वास के विरुद्ध उठ खड़े होंगे तो हमारा विश्वास कैसे टिका रहेगा। इसलिए हर चीज़ को जब हम पूछते हैं कि चर्च क्यों नहीं आते, फादर कोरोना है कोरोना है, बाजार भी जाते हैं, बैंक भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं पढ़ाने के लिए, मार्केट भी जाते हैं, और विशेष रूप से शनिचार को शाम को बाहर भी जाते हैं, टेला रास्ते के किनारे बहुत सारे टेले लगे हुए हैं, चाट खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं मिलता। एक कोरोना एक सिर्फ हमारे लिए एक कारण बन गया है, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियाँ की पुराने लोगों को दोष ठहराएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँ, जानते हैं हर चीज़ के लिए नेहरू जी को ठहराया जाता, जिम्मेदार ठहराया जाता, कहते ना लोग, तो आज भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हर चीज़ के लिए हम कोरोना को जिम्मेदार लगाते हैं। प्यारे भाई और बहनों, हमें प्रभु के पास आना है। जब प्रभु कहते हैं घबराए हुए लोगों से कहो, डरो मत, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है,
हमारा ईश्वर तो आ रहा है, लेकिन हम ईश्वर की ओर नहीं जा रहे हैं। जब संकट आते हैं, जब दुख तकलीफ आते हैं, जब हमारे परिवार में कोई भी विडंबना होती है, जब हमारे परिवार में कोई संकट आते हैं, तब हम गुहार लगाते हैं, प्रभु चंगा करो, प्रभु ये करो। लेकिन यदि हम प्रभु के साथ रहेंगे, प्रभु को अपनाएंगे, तो ये बीमारी आएगी नहीं, ये संकट आएगी भी नहीं। आएंगे तब भी प्रभु हमारे साथ खड़े होंगे, प्रभु हमारे जीवन में है, ये 100% सत्य है, क्योंकि प्रभु का वचन भी कहता है। लेकिन क्या हम प्रभु के साथ हैं या नहीं, ये बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आपके लिए और मेरे लिए है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि लोग एक बहरे गूंगे को प्रभु के पास लेके आते हैं। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17 से लेकर हम वहां पर पढ़ते हैं, जब यीशु मसीह किसी घर में शिक्षा दे रहे थे, तो लोग एक अर्धांग रोगी को चारपाई से उठाकर लाए, और जब उन्होंने देखा कि जहां प्रभु बैठे वहां पर वो उस रोगी को, अर्धांग रोगी को ले नहीं जा सके, तो वे छत गए, छत को खोलकर वहां से उन्होंने उसको उतार दिया। यानी कि दूसरों की मदद के कारण, दूसरों के प्रयास के कारण वो अर्धांग रोगी चंगा हुआ। और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि लोग एक बहरे गूंगे को प्रभु के पास लेके आए। वो बहरा गूंगा खुद नहीं आया, बल्कि लोग उसको लेकर आए प्रभु के पास। यहां पर हम देखते हैं कि लोगों की उदारता, लोगों का मन, शुद्ध विचार, ना सिर्फ अपने लिए चंगाई चाहते थे वो, जो भी बीमार थे, यानी कि उतनी उनको इतनी सहानुभूति थी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे का ख्याल रखते थे कि उसको चंगाई मिले, चलो उसको उठा कर लेके जाए। कोरोना के समय हमने देखा कि हमारे स्वयं के परिवार के लोग हमारा स्पर्श नहीं करना चाहते थे, डरते थे, लेकिन यहाँ पर लोग जिस किसी को भी बीमारी थी उसको उठाकर प्रभु के पास लेके गए और प्रभु उनको चंगा करते हैं। जो अर्धांग रोगी को भी प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, और आज के सुसमाचार में एक बहरे गूंगे को प्रभु एकांत में ले जाते हैं। भीड़ के साथ लोग लेकर आते हैं, लेकिन प्रभु क्या करते हैं, इस बहरे गूंगे को एकांत में ले जाते हैं। यानी कि लोग हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं, एक व्यक्तिगत रूप से स्पर्श पाना चाहते हैं या स्पर्श देना चाहते हैं। एकांत में भीड़ से अलग ले जाकर प्रभु एक प्रकार से उस रोगी से बात करते हैं व्यक्तिगत रूप से, और यही जरूरत है। हम संडे को भीड़ में आते हैं, कोई है मिसा बलिदान में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से प्रभु के साथ हम कितना समय बिताते हैं, व्यक्तिगत रूप से हम प्रभु से कितना बात करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज इस पाठ को सुनने के बाद आपको और मुझे यही कहना है प्रभु से, हे प्रभु, जिस प्रकार तूने उस बहरे गूंगे को कहा कि एफाता, यानी कि खुल जाए, उसके बंधन खुल गए और बोलने लगा, सुनने लगा, ताकि हम भी प्रभु आपकी वाणी को सुन सकें, ताकि हम भी आपकी गुणगान गा सकें, ताकि प्रभु को हम अपनाएं, जो इजाइस ने कहा, घबराओ नहीं, तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, हम भी ईश्वर की ओर बढ़ें। जैसे कि आज के दूसरे पाठ में भी हमें ईश्वरत्व को समझते हुए मनुष्य की सेवा करना है, एक दूसरे की सहायता करना है। आज ये बहुत ज़रूरी है, इस कोरोना काल के समय हम अपने स्वार्थ के लिए ही ना जिएं, बल्कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए आगे बढ़ें, ताकि हम और वे भी प्रभु क्रिस्त के द्वारा जीवन पाएं। ईश्वर से हम इसी मकसद के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा जीवन प्रभु को समर्पित हो, ताकि हम भी प्रभु यीशु के द्वारा, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा लोगों तक हम क्रिस्त के संदेश को फैलाएं और लोगों को प्रभु की ओर ले जाएं, ताकि प्रभु उनका स्पर्श करे, प्रभु उनको चंगाई दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।